मेरे प्यारे फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश जिसका नाम है केसरी बात। मैं यहाँ पर बारीक सूजी लेके हूँ। मैं मीडियम साइज के बोल में आधा बोल सूजी लेके हूँ। एक पैन में सूजी को भून लेंगे एक 10 मिनट के लिए। थोड़ा इसकी खुशबू आने लगे तब तक इसे भूनें। सूजी को ऐसे ही भून लें, ऑयल और घी में भी ना भूने। बस फ्रेंड्स, हमारे सूजी भून चुकी है, 10 मिनट के लिए भूनी हूँ मैं। यहाँ ड्राई फ्रूट लेके हूँ, बारीक से काट लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हो। केसरी बात को घी ही ज़्यादा पड़ता है। यहाँ मैं 1.5 चम्मच घी लेके हूँ। मैं आपको ड्राई फ्रूट बताई, उसमें मैं ज़रा ज़रा लेके बघार में डाल रही हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट केसरी बात में बीच में मैं डाल के मिलाऊँगी। ये केसरी बात भी बोलती है और ये थुली भी बोलती हैं। ये बोल में आधा बोल सूजी लेके थी और इसी बोल में मैं 1.5 बोल पानी डाल के हूँ। 1/4 टीस्पून फुट केसरी रंग लेके हूँ। के अच्छे से मिला ले और ढक्कन मुझकर एक उबल आने दें। उबलता हुआ पानी में ज़रा ज़रा करके सूजी डालें। गैस का फ्लेम को लो मीडियम कर ले। सूजी डालते रहें और चम्मच भी चलाते रहें। पानी को सूजी अब्सॉर्ब कर चुकी है, सूजी भी गल गई है। इसी बोल में मैं 1 बोल शक्कर लेके डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से शक्कर ले। आप माप के हिसाब से सूजी ले, उसी माप से पानी और शक्कर आप टेस्ट के हिसाब से डाल ले। बाकी ड्राई फ्रूट में रखी थी, अब उसमें डाल के मिला रही हूँ। शक्कर और सूजी दोनों भी अच्छे से मिल चुकी है और थोड़ा ड्राई भी हो चुकी है। और 2 बुनत मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और 1.5 चम्मच घी भी मैं डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। केसरी बात को घी में ही ज़्यादा पकाते हैं। आपको ज़्यादा घी ना पसंद हो तो ऑयल भी ऐड कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में केसरी बात को पकाऊंगी। केसरी बात में एसेंस की खुशबू और घी की खुशबू अच्छे से मिल जाए। आप केसरी बात को डिश आउट कर लेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हर वीडियो हमारी आपको जल्दी मिलेगी। माशाल्लाह, केसरी बात खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। हमारे स्टाइल में आप भी पकाए फ्रेंड्स, और कमेंट में भी लिखे आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर से नए रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।